हेलो बच्चों, तो कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? वर्णमाला और वर्ण के बारे में। आज फिर हम क्या करेंगे? वर्ण का ही चैप्टर है, लेकिन उसके क्या करेंगे? भेद। तो वर्णों के भेद। वर्ण के भेद हैं दो, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद है बेटा? दो, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर के बारे में। तो आइए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो क्या बताया गया है बेटा? जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिनको उच्चरित करते समय श्वास वायु बिना किसी रुकावट के, यानी श्वास वायु में कोई बाधा नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। तो यही बताया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। और सेकंड क्या है? और जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता भी नहीं ली जाती। तो दो बातें आई है, एक तो श्वास वायु बिना बाधा के बाहर निकलेगी, और दूसरा पॉइंट क्या है? जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे क्या कहलाते हैं बेटा? स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। बताया था ना कि सहायता नहीं ली जाती, तो जिसको सहायता की जरूरत नहीं होती वो क्या होते हैं? स्वतंत्र। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कल बताया था कितने स्वर होते हैं? 11। तो दोबारा एक बार और करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आगे बेटा, स्वर के भेद। अब हम क्या करेंगे? स्वर के भेद। तो स्वरों के भी अनेक आधारों पर भेद किए गए हैं। तो आज हम किसके बारे में करेंगे? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण यानी बेटा बोलने में किसमें कितना समय लगता है, इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन। अब आपके एनटीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो कितने बताओगे? तीन। ठीक है, तो पहला है बेटा हरिशव स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। क्या बताया गया है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हरिशव स्वर कहते हैं। तो क्या बताया गया है? इन हरिशव स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हरिशव स्वर। ठीक है, समझ आया? जैसे ए ई उ री, कितने हैं बेटा ये? 1 2 3 4, ये चार होते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा एनटीएससी का? हरिशव स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हरिशव स्वर कहते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक मात्रा का समय कौन से स्वर के भेद में लगता है? तो क्या बताओगे? हरिशव स्वर में। और ये संख्या में कितने होते हैं हरिशव स्वर? चार होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से होते हैं, तो क्या बता दोगे? ए ई उ री, तो ये कितने होते हैं? चार। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा दूसरा भाग, दीर्घ स्वर। पहला क्या था हमारा? हरिशव स्वर। दूसरा पॉइंट क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, देखो नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ यानी ज्यादा बड़ा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हरिशव स्वरों से अधिक समय, या क्या कह सकते हैं? दोगुना समय लगता है। किससे दोगुना? हरिशव स्वरों से, या अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो क्या होते हैं? हरिशव स्वर। और जिनके उच्चारण में हरिशव स्वर से दो गुना समय लगे वो क्या होंगे बेटा? दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर सात हैं। कितने हैं दीर्घ स्वर? सात। आ ई उ ए ऐ ओ औ, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। कल मैंने बताया था कितने होते हैं वो, सॉरी स्वर कितने होते हैं बेटा? 11। तो चार ये हो गए और सात, सात और चार कितने हो गए? 11। तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि दीर्घ में कौन से सात हैं और हरिशव स्वर में कौन से चार हैं। तो इनको अच्छे से लर्न करना। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा?
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कैसे पूछ सकते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन डाल देंगे तो आप क्या रन रखोगे? दीर्घ स्वर। और अब आपसे पूछेंगे दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो आप क्या बता दोगे? सात। अब आपको ये भी दे सकते हैं कि ये कौन से किस में दीर्घ स्वर में आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं, तो आपको ये देंगे तो किस में डाल दोगे? वो ये दीर्घ स्वर में आते हैं और ये वाले किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में। ठीक है बेटा, समझ आया? उसके बाद आता है एक और होता है बेटा ओ, ठीक है? आल लिखते हैं और उसके ऊपर क्या होता है? ये अर्धचंद्र। एक होता है बिंदु, इसमें बिंदु नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्धचंद्र। तो इसका उच्चारण कैसे होता है? ओ की तरह। किसकी तरह होता है? ओ की तरह। तो आगत स्वर क्यों है? क्योंकि ये बाहर की भाषाओं से आए हैं, ठीक है? इसलिए इनको क्या कहते हैं? आगत स्वर या घृत स्वर, कल भी हमने किया था। तो ये क्या है? आगत स्वर। इसका उच्चारण आपसे पूछे, ये पूछ ले कि ओ की तरह कौन से आगत स्वर का उच्चारण होता है, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो इसे किस में रखा गया है? दीर्घ स्वरों में ही आता है। लेकिन हिंदी में तो कितने हैं अपने दीर्घ स्वर? सात है। लेकिन अलग से पूछे कि ये किस में आता है, तो आप क्या बता दोगे? दीर्घ स्वरों में ही आता है, ठीक है? उसके बाद आता है बेटा तीसरा भाग हमारा प्लुत स्वर। तीन भेद बताए थे मैंने, हरि स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर, ठीक है? तो कुछ अवसरों पर कुछ स्वरों में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है इसमें। ऐसे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या, या हम क्या कह सकते हैं? जिसमें हरिषव स्वर से तीन गुना समय या दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी पहचान के लिए स्वर के साथ ये ऐसे बेटा एस की तरह क्या लगता है? एक चिन्ह लगता है, ठीक है? जैसे ओम ये भी लगा देते हैं और एक क्या लगता है इसमें? ऐसे भी लगा देते हैं, ठीक है? ये थ्री की तरह। तो ये क्या होते हैं? इसके चिन्ह है बेटा ये, किसके? प्लुत स्वर के। अब आपसे पूछे कि ये चिन्ह और ये चिन्ह स्वर के कौन से भेद में लगाया जाता है, तो आप किस में बता दोगे? प्लुत स्वर में। तो ध्यान रखना ये कि ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों ये लगाए जा सकते हैं किस में? प्लुत स्वर में। और प्लुत स्वर कब यूज किया जाता है बेटा? उसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी को पुकारते हैं, जोर से, दूर हो कोई और उसको पुकारते हैं, तो क्या बताया इसमें? कुछ अवसरों पर कुछ स्वरों में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी कितना समय? अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनकी पहचान के लिए स्वर के साथ ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, जैसे उदाहरण ओम। ऐसा प्रयोग संस्कृत में देखने में आता है, यानी ये ज्यादातर किस में प्रयोग किए जाते हैं? संस्कृत में। तो ऐसा प्रयोग संस्कृत में अधिक देखने में, यानी हिंदी में भी होता है लेकिन संस्कृत में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं ये वाला चिन्ह इसके स्थान पर और कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? ये वाला भी पाया जा सकता है। कहीं आप सोचो ये दो कैसे हैं, तो दोनों ही किस में आते हैं? प्लुत स्वर में आते हैं। और इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी को पुकारने के लिए, ठीक है बेटा? फिर आते हैं, तीन चार पॉइंट और हैं, तो अब ये लर्न हो गया आपको। फिर है बेटा ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में रहता है। अब आपसे पूछे कि कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो किसकी? ए की। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, व्यंजन को ए रहित यानी ए से अलग दिखाने के लिए को क्या चिन्ह लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है बेटा। जैसे कै, वैसे तो कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको हलंत लगा दिया तो इसमें से क्या निकाल लिया हमने? क्या बाहर हो गया? ए, ठीक है? अगर ये निकाल दिया तो इसका क्या निकल गया? ए। तो ख में से भी क्या निकाल लिया? ए। तो अब आपसे कहे ए रहित दिखाने के लिए उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत। अब आपसे पूछे हलंत कब लगाते हैं? ए रहित दिखाने के लिए। हलंत का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है? देन मात्राएं वर्णों के चारों तरफ लगाई जा सकती हैं। चारों तरफ यानी ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। जैसे बेटा काम, इसमें कहाँ लगाई है? दाएं। किला, कह के किधर लगी है? किधर लगी? बाएं। कुल, नीचे, के ऊपर। तो अब आपसे पूछे मात्राएं वर्णों के किस किस तरफ लगाई जाती हैं, तो आप क्या बता दोगे? चारों तरफ, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। समझ आया बेटा? तो इसको अच्छे से अपनी रफ नोटबुक में करके देखना है, फिर मैं असाइनमेंट दूंगी, ठीक है? ओके, बाय।